guys and welcome to my interview. Today I'm talking to Dr. Rajiv Bajaj, जो कि cardiologist हैं बत्रा hospital में around 3 decades से और काफी जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इनका एक अलग अंदाज है. जब मैं अपनी मम्मी के साथ इनसे मिलने जितनी बार भी गई, मुझे इनकी एक खास बात लगी हमेशा से कि ये और डॉक्टर्स की तरह डराते नहीं है और इतनी सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि आपको कभी डर नहीं लगेगा कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है. यू विल ऑलवेज फील एट ईज टॉकिंग टू हिम. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर बजाज विद अस. सर वेलकम टू दिस इंटरव्यू एंड सबसे पहले थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, योर प्रेशियस टाइम इन दीज टाइम्स स्पेशली. डॉक्टर सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जो कोरोना वायरस का जो क्या कहें, मतलब जो फैली हुई है, इतनी न्यूज फैली हुई है, इतना डर है लोगों के मन में, तो आपका सबसे पहले क्या विचार है, फर्स्ट थॉट्स ऑन कोरोना वायरस, वो क्या है कोरोना वायरस और क्या लोगों जो दहशत इतनी है लोगों के अंदर, क्या वो होनी चाहिए? देखिए, कोरोना वायरस के बारे में MBBS की किताब में पढ़ाते हैं, 3-4 पेज का चैप्टर होता है. जब हम लोग जर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, 3-4 पेज का चैप्टर होता है. जब हम रोगों के बारे में पढ़ते हैं, कोरोना वायरस हम लोग से पहले ही धरती पे आ गई थी. इंसान ने जितनी भी टाइम धरती पे काटा है, ये कोरोना वायरस होने के बावजूद काटा है कि हम उससे मुकाबला सामना करना जानते थे. और ऐसे लाखों जितने भी कीटाणु हैं, इनके बावजूद हम कामयाब हुए. कोरोना वायरस के बारे में लिखते हैं कि ये वायरस नाक में आ जाती है कभी कभी. जिंदगी में जितने भी जुकाम इंसान को होते हैं, उसमें से 2 या 3 कोरोना वायरस करती है. और इसके जुकाम में 2-3 दिन जो भी लगते हैं, बुखार नहीं आता. जी, जब हमें बताया गया कि कोरोना वायरस आ जाएगा, तो चिंता सिर्फ ये थी कि लगभग 12 साल पहले COVID-1 नाम का, कोरोना वायरस 1 नाम का एक एपिडेमिक हुआ था, इस SARS-1. अभी तो जो पहला हुआ है इसे SARS-2 कहते हैं. वो नई अलबेली कोरोना वायरस ऐसी थी जो वाकई में फेफड़े तक घुस जाती थी और फेफड़े में निमोनिया कर देती थी, यानी कि सूजन और हावी होने लगती थी. कई पेशेंट्स की डेथ भी हुई थी उन दिनों में भी. 3-4 महीने के लिए हॉस्पिटल्स फुल रहते थे. अब 12 साल पहले की बात है, शायद किसी को याद हो, शायद किसी को ना हो. उसके लिए डरना डराना WHO ने शुरू में बैंड बाजा पूरा किया था, लेकिन उसने इतनी डेथ्स नहीं करी. और बाद में लोग कहते थे कि WHO हमें डरा क्यों. अच्छा, तो हमने सोचा अगर ये वो भी होगी तो वो भी निपट जाएगी. कोरोना वायरस की एक खासियत ये भी है कि जब एकाध कोरोना वायरस से आप मिल लेते हैं, तो उसके बाद इसकी बहन भाई जितनी बिरादरी है, और बहुत है, हर प्राणी के लिए अलग अलग कोरोना वायरसेस हैं, इन सबको आप निपटाना सीख लेते हैं. तो SARS-1 अगर हम लोग ने देखा था, तो SARS-2 उससे मिलता जुलता होगा. तो उस जो लोग हमारी उम्र के हैं या 25 साल के हैं, उन्होंने तो इसे देखा ही हुआ है, इसके भाई को देखा हुआ है. जब फर्स्ट वेव आई, तो मुझे भरोसा था कि बहुत मौत नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना वायरस SARS-1 कई शिप्स पे भी आ गया था. अब शिप्स की खबर मिली कि शिप गई हुई कहीं दूर समुन्दर में, और वहां 2000 जो लोग शिप पे हैं उनमें कोरोना फैल गया है. वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती. फॉरेन शिप को वापस बुलाओ, 20 दिन में, महीने में पहुंचे लोग, उतर रहे शिप से, ये टेस्ट कर रहे, तो कोरोना वायरस तो सब में थी. मरा 10,000 में एक भी नहीं. 8 शिप्स ऐसी थी जो समुन्द्र में फंस गई थी कोरोना वायरस की बीमारी में. जितनी वापिस आई, और ये सोल्जर्स की शिप्स थी, बाकी जो क्रूज की शिप्स थी उसमें भी
बहुत बुजुर्ग लोग थे, ये तो सोल्जर्स थे, जवान थे, तो इसमें एक भी नहीं मारा। हाँ, जो क्रूज शिप्स थी जिसमें बुजुर्ग लोग जाते हैं अपना घूमने फिरने हॉलिडे के लिए, उसमें कुछ बुजुर्गों की डेथ हुई थी। जो सबसे यंग था 77 का था। हिंदुस्तान में 77 के बहुत लोग होते ही नहीं है, शहरों में मिल जाएंगे, उसमें से अगर 100 में 4 मर रहे हैं तो मुसीबत तो है, तो पर निपट डॉक्टर, जाएगी। अभी क्यों हमें, मतलब इतना जो मौतें हुई हैं अब कोरोना दिक्कत वायरस ये की? आई है कि जैसे हम तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमने तो कोरोना वायरस देखना शुरू कर दिए जब एपिडेमिक शुरू हुआ। रोज ही जी दो चार मरीज आ रहे हैं, हमको भी पहले 3-4 हफ्ते के अंदर ही बुखार बुखार हो गया, 8 दिन बीमार रहे, छुट्टी भी ली, खांसते भी थे, कमजोरी भी बहुत हुई, निपट गया। परिवार को भी बांट दिया, पर परिवार के भी सब डॉक्टर हैं, कोई कह रहा मैं लेके आ गया, दूसरा कह रहा मैं लेके आ गया, समझ नहीं आया कि कितने लाए, पर सभी ने मुलाकात सैकड़ों बार हॉस्पिटल में तो करी थी, तो घर जी पहुंच ही गई, जी निपट भी गई। अब हमें ये लगता था कि अगर हमने SARS-1 भी देखी है और 12 साल बाद ये SARS-2 भी देख ली है, तो अब तो मामला निपट गया। पर सेकेंड वेव आई, और सेकेंड वेव में जिनको पिछले साल हो चुका था उनको भी दोबारा हुआ। तो ये वायरस के अंदर एक चीज जो मेडिकल की किताब में लिखी है, ये थोड़ा थोड़ा अपना भेष बदल लेती है, अच्छा ये चीज बार बार हो रही है। लेकिन जो मेन चीज लिखी हुई है कि ये वायरस तो हमारे लिए चींटी है, इससे नहीं डरना है, वो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने पिछले 1 साल में इसकी पढ़ाई बहुत करी है कि इस कोरोना वायरस में क्या विशेष है। इसके कई पुर्जे नए हैं अच्छा और वो पीसेज ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो वायरसेस यूज ही नहीं करती हैं। जैसे आपने अगर कोई हाथी बनाया और उसमें आपने मछली के या तितली के पर लगा दिए, उस तरह का इसमें हिसाब है। तो ये कहाँ से बन गई, कैसे बन गई, क्यों ये इतनी एक बार एक आई तो उसके 6 महीने बाद दूसरी कैसे आ गई, अब डॉक्टर, उसके अंदर आप ये मछली। कहेंगे कि ये मैनमेड? अब ये तो कोई जवाब नहीं दे सकता है कि हम जो भी बोलेंगे, 50 लोग ये बोल रहे तो 50 लोग इसका उल्टा भी बोल रहे। पर ये पक्का है कि इसके नक्श इसकी जो बनी कोई एक एक पुर्जा है उसको देखें तो कुछ सांप का लगा है, कुछ हाथी का लगा है, ऐसा नेचर में नहीं होता। जी जो कहते हैं कि ये हो गया, वही समझाएं कि उन्होंने इसका जो नक्शा है वो पढ़ा के नहीं पढ़ा। कुछ भी ओपिनियन बना लो, ये तो आसान है, पढ़ के ओपिनियन बनाओ, वो किसी ने किया है तो उनसे आप पूछा करिए कि ये ऐसा कैसे हो गया, जो भी वो बताएं शायद सच हो। अब आगे क्या होना है जी ये भी चिंताजनक है। हम डॉक्टर, तो ये हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट को ठीक करना आसान है, इसीलिए जब आता है मैं कहता हूँ तू चिंता ना कर, तू ठीक हो जाएगा। कोरोना वायरस के अंदर क्या हो रहा है, हर बार कोई नया भेष और हर बार इसका नया मुकुट। पहली वाली जो आई थी SARS-1 12 साल पहले, उसने नुकसान किया, उसी से थोड़ा बढ़ के SARS-2 ने पिछले साल किया, अब उसका नया वेव आया है तो उसने तो 7-8 गुना बढ़ के नुकसान किया है। जी आगे के लिए क्या होना है ये कौन जवाब देगा, डॉक्टर, पर आपको लगता सवाल है ये थर्ड नहीं है वेव, कि क्या होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। ओके डॉक्टर, आपको लगता है कि थर्ड वेव भी आएगी? जो कुछ अभी तक हुआ है उसमें कोई डॉक्टर की प्रिडिक्शन, किसी पढ़े लिखे इंसान की प्रिडिक्शन सही नहीं बैठ सकती थी। केवल जो लोग बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में बैठे हैं और गलतियां जो इंसान करता है जी उस पे सवाल उठाते हैं, जिसे कहते हैं क्रिटिक्स, जी साइंटिस्ट क्रिटिक्स, उनके प्रिडिक्शंस पिछले साल थे कि देखो ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें अब जबरदस्ती करेंगे कि सब वैक्सीन लगवाएं, जबरदस्ती करेंगे कि, तब
तरह तरह की चीजों के लिए, हर चीज के लिए, आधार कार्ड हो, हर चीज के लिए आप पेमेंट उससे करिए। जी जो भी नए कानून बनने हैं अब कोरोना के दौरान बनते जाएंगे, ऐसा कई जर्मन साइंटिस्ट वगैरह ने बोला कि हम तो ये देख रहे हैं और काफी टाइम से परेशान हैं कि अब वैक्सीन की जबरदस्तियां होंगी और फिर उसके 4-6 महीने बाद होने भी लगी। वैक्सीन बनाना कोई आसान काम नहीं था। मलेरिया की 100 साल में नहीं बनी, रूमेटिक फीवर की 100 साल में नहीं बनी, एड्स की 40 साल में नहीं बनी, इसकी कुछ महीनों में आ गई है। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है किसी वैक्सीन के लिए जी। जो जल्दी बन जाती है उनमें 20 साल लग जाते हैं।